बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य के राजा के पास कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वहाँ मौजूद बच्चों में से किसी एक को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और 6 माह बाद हम यहाँ फिर से इकट्ठा होंगे। उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद इस राज्य का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुँच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उस गमले में उस बीज को रोप दिया और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते दो हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरे और बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे उगाए, कुछ में फूल फल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का गमला खाली देख सभी उसका मजाक उड़ाते और हंसते, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार मेहनत करने से मना करने लगे। पर बावजूद इसके ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गए और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं इस बीज में रोज पानी डालता था, सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। ध्रुव की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उन्होंने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उनका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। जो दिन निश्चित किया गया था उसी दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फल फूल खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस यही प्रश्न चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहाँ से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव पर पड़ी। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तब ध्रुव ने कहा, राजा जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से एक पौधा भी नहीं निकला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए और जब सभी गमलों को देखने के बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और कहा, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ, ऐसा राजा जी ने कहा। सबके सामने इस तरह बुलाया जाने पर ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज़ में कहा, शांत हो जाइए, 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए वे बंजर थे, आप चाहे उसकी कितनी भी देखभाल करते लेकिन उसमें से कुछ नहीं उपजने वाला था। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह उसने बीज में से कुछ न निकलने पर दूसरे बीजों को नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया। इस जानते हुए कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा, फिर राजा ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी यह ईमानदार लड़का ध्रुव होगा।
और इस प्रकार राजा ने उसे ईमानदारी का फल दिया। तो दोस्तों, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए और ईमानदारी से अपने कर्म को करते रहिए। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।